सो गाइस, अभी आपके भाई ने ले लिया है न्यू टायर। तो ये रहा वो न्यू टायर, ठीक है। तो अभी हम ये आगे वाला टायर फिट करने वाले हैं। अभी अपना इंश्योरेंस हो चुका है रिन्यू एंड ये देख। बाकी गाइस, यहाँ पे जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ आती हैं ना, उनकी आप कंडीशन देख सकते हैं। ये स्कूटी अभी बिल्कुल न्यू है, ठीक है। और ये मेरे को लगता है किसी बस के नीचे दिया है या किसी। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, होप कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कुछ अच्छे करोगे गाइस। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपने घर से, जैसे कि आप देख ही सकते हो अपने मिरर के सामने से। थोड़े से हम तैयार होते हुए देखते हैं कैसे लग रहे हैं ब्रो, ठीक है। तो फटाफट गाइस लगाते हैं अभी शू वगैरह, देन निकलते हैं भाई। बॉडी चेक करो अपने भाई की, चेक करो गाइस। तो आज है गाइस संडे, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने सर्विस स्टेशन, मतलब कि होंडा की एजेंसी में। तो अपनी बाइक का इंश्योरेंस ड्यू हो चुका है भाई, मारती बाइक तोड़ देगा। एक मिनट, आंटी मेरे को मारने के चक्कर में डंडे की इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि बाइक की हालत बड़ी गंदी हो रखी है। मतलब कुछ बचा ही नहीं है भाई, बाइक का हालत ही खराब हो रखी है। मतलब क्या बताऊँ। तो अभी फिलहाल टाइम हो चुका है सुबह के 10:24, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल खुल चुकी होगी, कल था सैटरडे। एंड मेरे को ये सिस्टम पता नहीं क्या चला, मेरे को इस चीज़ का पता नहीं चला भाई, सैटरडे को ये बंद क्यों होती है, मतलब अपनी एजेंसी बंद क्यों होती है, ठीक है। ठीक हो, बढ़िया गाइस। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे एंड ये अपने होंडा एजेंसी, जैसे आपको पता ही है। तो अभी फिलहाल कराते हैं इंश्योरेंस रिन्यू एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, सामान कुछ ज़्यादा ही आ चुका है भाई। लाओ कोई पटाखा, बड़ी सी बाइक, सुपर बाइक कोई, और पहले ये वाली तो बिकाओ। बाकी गाइस, यहाँ पे जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ आती हैं ना, उनकी आप कंडीशन देख सकते हैं। ये स्कूटी अभी बिल्कुल न्यू है, ठीक है। और ये मेरे को लगता है किसी बस के नीचे दिया है या किसी ट्रक के नीचे दिया है, बोले ऐसी जगह पर दी हुई है ना कि इसका फेस पूरा पीछे हो चुका है, देख रहे हो। एंड ये देखो भाई, अभी न्यू है, JK20C नंबर गाड़ी है, मतलब इसका बचा ही नहीं है, इसने रखा ही नहीं है इन्होंने कुछ। A few minutes later. So guys, अभी अपना इंश्योरेंस हो चुका है रिन्यू एंड ये देख सकते हो दोनों साइड से, ठीक है। भाई साहब क्या करें भाई, पैसा कमाया था इसको वो करवाने के लिए कि इसको मॉडिफाई करवाऊंगा, घर वाले पैसे नहीं देते और अपने पैसों से मेरे को ये करवाना पड़ेगा इसका इंश्योरेंस रिन्यू। चेक मारो गाइस, अभी हम इस साइड से नहीं लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे उस साइड वाला इंश्योरेंस, ठीक है। इसको देखेंगे, अगर जो इसके अंदर जो टी वगैरह जो भी इसका डलेगा ना, हम सब कुछ डलवाएंगे। बाकी थोड़ी सी ऑर्डर डलवाना पड़ेगा, बोल रहे हैं कि 10-15 दिन के बाद है, उसके बाद ऑर्डर डालेंगे हम। तो देखते हैं भाई कब जैसे डालते हैं ऑर्डर, इस साइड से तो हम पूरा ले लेंगे ना। हाँ, हो सकता है अगर पॉसिबल होगा तो हम ये भी ले लेंगे, ये बीच वाला हैंडल वंडल सब लेना भाई, पैसे करते हैं अपने हाथ की मेहनत है, ठीक है। तो भैया कब तक आएगा, कब तक आएगा? एक महीने के बाद मिल जाएगी पक्का। और कुछ बोलना चाहोगे, कुछ अपने बारे में, कोई नई चीज़ आई है? हाँ वो तो करना है, वो तो आप करोगे। नहीं, मैंने मेहनत करनी है, आपने करना है स्पोर्ट, तो आपने करना है। स्पोर्ट में करता हूँ, आप मेरे को दो ना, मैं तेरी सारी स्पोर्ट ये करना था कि दिखना था ना। हाँ, शेयर करना था आगे, मेरे दो नंबर दोनों में पास में फाल में करेंगे मुकार को भी देगा अमीर बना कहना कि मेरी वजह से तुम्हें फायदा होगा, तुम क्या जोड़ता है? अच्छा भाई, वो मेरी वजह ने तुम्हें उगे फायदा कि बंदे आगन जिया पे जाना में नहीं। आपका काम इतना चल रहा है कि सारी स्कूटियाँ वगैरह सब कुछ बेच गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है, आप जल्दी से ख़त्म करो, उसके बाद सुपर बाइक लाएंगे भाई। तो जिसने सुपर बाइक लेनी होगी, अगर ये वाली बाइक लेनी होगी, मेरे को एक दो बंदा बोल रहा था कि मैंने ये वाली लेनी है, अगर ये वाली लानी है तो आ जाएगी पक्का? तो ये मैंने सुना था डिसकॉन्टिन्यू हो गई है। अच्छा, इसे अच्छा ये OBD1 है, OBD2 आई है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, वो तो इसमें भी है नीचे। तो गाइस इसका नया वेरिएंट आ चुका है, पेट्रोल की कास्ट मतलब वो नया पेट्रोल आएगा कोई,
तो गाइस तो इसका जो नया वेरिएंट आया वो मतलब बड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर किसी ने लेना होगा तो भाई मेरे को कमेंट वगैरह कर देना या फिर भाई के पास आ जाना। आपको जैसे पता है सीला है, सीले से नीचे जगदम्बे मोटर्स, आपको कितनी बार बताना ठीक है, जिसने भी आना होगा भाई ले लेना। बाकी अपनी बीस्ट को वापस से तैयार करवाएंगे हम। बाकी गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी चलते हैं फिलहाल उसको करते हैं लैमिनेशन, क्योंकि इंश्योरेंस फट नहीं जाए भाई नहीं तो मेरी डैश डैश हो जाएगी ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। The next day. So guys, अभी आपके भाई ने ले लिया है न्यू टायर, तो ये रहा वो न्यू टायर ठीक है। तो अभी हम ये आगे वाला टायर फिट करने वाले हैं। मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये चेक करो, देख रहे हो कुछ नहीं बचा इसका। हाँ ये न्यू है, ये है कंपनी है कौन सा है मेटजेलर कुछ है, मेटजेलर नाम है इसका, पता नहीं क्या नाम है। तो ये डलवाएंगे अभी अपनी बाइक में, इसको पता क्या करेंगे, ऐसे 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 बैठेंगे ठीक है। अब जाएगा ये टायर कहीं नहीं जाएगा ये, अब हिल के तो दिखाए। और गाइस अब हम अपने गब्बर भाई मिल गए। और गब्बर भाई क्या हाल है, बढ़िया यार, और बस रहा टायर ला रहा हूँ यार भाई को। नहीं नहीं तेरे को कैसी बातें करता है यार, कैसे कैसे लोग। मैं बैठ टायर भी लगा रहा हूँ मैं बाइक को, किसको ये बस को डालता है, उधर जा टायर पकड़, जैसे मैंने डाला था वैसे डालना। तो गाइस अभी हम एक छोटी सी लाइट राइड लेने वाले हैं अपनी R15 की। ओ भाई इसमें फील ही लगा ब्रो, मुंडा ही पीछे रह गया। सो गाइस इसका मैंने मंगलसूत्र निकाल दिया, अभी मैं खुद लगा रहा हूँ। चलो अच्छा चल ठीक है, फिर मिलते हैं फिर। अभी आया मैं टायर डलवा के, चल देखता हूँ। ओके निकाल इसको, तो गाइस यहाँ पे फिट होता है, यहाँ पे करवाते हैं। The next day. रिम का पेंट नहीं उतारना, रिम तो हो गई, टायर बाहर निकालने में रिम होता ही है, इतना होता है, देखो देखो हो निकल गया। कलर उतर जाएगा वो बोल रहा हूँ, तो फाइनली गाइस आ जाए दूसरा दिन एंड अपना टायर निकल चुका है यहाँ पर देख रहे हैं। अभी तक इसमें फ्रंट टायर में एक ही पंचर है जब से लिया है, टोटल एक पंचर है ये चेक करो। तो अभी फिट हो रहा नहीं टायर एंड घर एंड ये रही अपनी बाइक और ये रहा अपना नया टायर। भाई साहब देख रहे हो क्या सेक्सी लग रहा है भाई, टायर पहले आगे नया नहीं ना था तो उसकी वजह से देखने में भी अच्छी लग रही थी, और अब चेक करो भाई देख रहे हो क्या सेक्सी लग रही है। तो पिछले की हालत दिखा दूं मैं आपको, पिछले का तो कुछ बचा ही नहीं है भाई, ये देखना इस साइड से थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस साइड से ये देखो बिल्कुल प्लेन हो गया भाई, कुछ नहीं बचा यार, इसको भी चेंज करवाना, लेकिन करवाएं कैसे। ये रही अपनी बाइक ठीक है, तो ये देख सकते हैं अभी नया टायर तो बड़ा सेक्सी लग रहा है भाई। बाकी टायर इतना सस्ता भी नहीं है भाई, टायर तो महंगा ही है थोड़ा सा। बाकी आजकल थोड़ा रेगुलर ब्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहे हैं भाई, पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मतलब मैं जितना ट्राई करता हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँ बट नहीं बना पा रहा हूँ। अब पता नहीं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, कभी बारिश आ रही है, कभी कुछ इशू आ रहा है, और कभी कभी फोन ही धोखा दे देता भाई, एडिटिंग ही नहीं होती है इसमें, लैग मारता मतलब फोन ही बंद हो जाता है, तो क्या ही कर सकते हैं भाई। अभी हमारे पास अपना उतना कोई बढ़िया फोन नहीं है, तो इसी से काम चलाएंगे थोड़ा टाइम तक,
बाकी पीछे वाला टायर भी बिल्कुल खत्म हो रखा, मतलब उसको कुछ बचा ही नहीं है। आगे वाला तो हमने चेंज करवा दिया। तो आज के ब्लॉग को ना हो कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो गैस लाइक में शेयर अच्छे से कर देना। बाकी मिलते हैं किसी खतरा को ऐसी अच्छी राइडिया अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग अप JK20 राइडर, बाय गाइस।